अस्सलाम वालेकुम बेटा, हमने थर्ड पैराग्राफ तक पढ़ लिया, फोर्थ पैराग्राफ से पढ़ लें। द पीपल ऑफ द सिटी मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर्स विद द रिवर इंडस सो नियर एट द सी विद इन द इजी रीच। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तजारती होंगे, इसीलिए उनके घर से करीब जो वो दरियाए इंडस है और समंदर है वो आसानी से पहुँच सकते हैं। द कंट्री साइड मस्ट हैव बीन फर्टिलाइज सिंस वीट रेज कॉटन ग्रो देयर। और वहाँ पर जो है वो आसानी से चावल कॉटन वगैरह जो है वो उगा सकते हैं। द फार्मर ऑल्सो कैप कैटल। और जो फार्मर हैं, किसान जो फार्मर हैं वो मवेशी वगैरह रखते हैं। देर वर स्किल्ड क्राफ्ट मैन हु वर्क इन अ गोल्ड। और बहुत से क्राफ्ट मैन हैं जो कि गोल्ड का काम करते हैं, सिल्वर एंड इरोनी आयरन वगैरह का काम करते हैं, मतलब सिल्वर वगैरह का, लोहे का, चांदे का काम करते हैं क्राफ्ट मैन जो हाथों वगैरह से काम करते हैं ना। क्ले डॉल्स एंड कार्ड्स वर मेड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले विथ। और जो क्ले वगैरह होते हैं, बच्चों की डॉल्स वगैरह होती हैं, वो भी बनाते थे वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए, वो भी बनाई जाती हैं वहाँ पे। वी ऑल्सो हैव एन आइडियाज़ फॉर द ड्रेसेस वर्न बाय द रूलिंग क्लास। और ड्रेसेस बनाने के भी आइडियाज़ हैं कि वो ड्रेसेस भी वहाँ पर बनते थे। द प्रिस्ट एंड द एल्डर्स फॉर द सेल ऑफ मैनी काइंड दैट हैव बीन फाउंड देयर दे वर लॉन्ग लूज ड्रेसेस। और जो वहाँ के लोग, ये पता लगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत लंबे ढीले सूट वगैरह पहनते थे, मतलब ये बता रहे हैं कि जो जगह उन्होंने किले में खोद के निकाली है वहाँ पर हर किस्म के लोग थे जो कि काम करते थे, मवेशी वगैरह मवेशी पालते थे, कपड़े वगैरह कुछ लोग कपड़े वगैरह सेल करते थे, कुछ डॉल्स वगैरह कार्ड वगैरह बनाते थे। नियर बाय इज़ अ म्यूज़ियम, उसी के करीब एक म्यूज़ियम है। वेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट वर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। और कह रहे हैं उसी के नज़दीक एक म्यूज़ियम है जहाँ पर मोहनजोदड़ो से निकले हुई जो चीज़ें होती हैं आर ऑन एग्जीबिशन, वो एग्जीबिशन में रख दी जाती हैं ताकि लोग आए दूर तारीख़ी से आएँ और देखें। दिस इंक्लूड सेल, जिसके अंदर जो है वो ज्वेलरीज, मतलब ज्वेलरीज वगैरह होती है, खिलौने वगैरह होते हैं, हथियार वगैरह होती है, और पोइट्री वगैरह होती है, मतलब पुराने जो बर्तन होते हैं उस पर पेंटेड, मतलब कुछ ना कुछ पुराने अल्फाजों में ज़बानों में लिखा हुआ होता है। द बेस्ट फाइंड ऑफ मोहनजोदड़ो इज़ द हेड ऑफ़ द बुल। और सबसे पुराने जो मोहनजोदड़ो की सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो क्या है, एक बुल है जिसको गाय का सर कहते हैं। विच वॉज़ यूज एज अ सेल। अच्छा, आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने ये जो चीज़ें हैं ये जो है मोहनजोदड़ो से फाइंड की हुई हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो से फाइंड की हुई चीज़ें हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं। देर आर मेटल, अच्छा, मेटल स्टेटस फॉर डांसिंग गर्ल हैड बीन फाउंड देयर। और एक जो मुजस्मा होता है, लड़की की डांस करी हुई खड़ी हुई है मुजस्मे के तौर पर, वो भी पाया गया। देर आर मेटल टूल्स टू इट बिकॉज ऑफ दिस मेटल ऑब्जेक्टेड एट द प्रोबल एज ऑफ मोहनजोदड़ो इज बीन गिवन एट अबाउट 4,500 ईयर्स अगो। और इन सामानों को देखने के बाद उस पर जो लिखा हुआ है, लोगों ने पता किसी को भी नहीं है कितना पुराना है, लेकिन लोगों ने अंदाज़ा लगाया ये कम से कम जो है वो 4,500, मतलब 4,000 साल पुराना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद, दिस पीपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, वो लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। दे वर क्वाइट रिच, वो बहुत अमीर थे, एंड ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे, ऑन बिजनेस ऑन प्लेजर। द सिटी वॉज़ वेल प्लान्ड, और जो शहर था वो बहुत ही प्लानिंग बहुत अच्छा बना हुआ था, एंड क्लीन बहुत साफ था। द रेन वाटर डिड नॉट केम ऑन द स्ट्रीट, बारिश का जो पानी होता था वो बाहर गलियों के नहीं आता था। वी डू नॉट नो वट हैपन टू दैम लेटर, हम नहीं जानते कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। आइदर दे वर रेड फ्रॉम द नॉर्थ और देयर ग्रेट अर्थक्वेक, या तो नॉर्थ की तरफ से उन पर हमला किया गया या फिर किसी जलजले ने इन्हें तबाह कर दिया, किसी को भी सही कहानी नहीं पता। लेकिन जो बर्तन वगैरह थे पुराने, उनको देखते हुए अंदाज़ा हुआ कि ये तकरीबन 4,100 साल पहले की बात है। नो वन हैज़ येट बीन एबल टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिटन ऑन द सेल ऑन द पोइट्री, और कोई भी बंदा अब तक जो, मतलब जो बर्तन वगैरह पोइट्री पे मिलते थे, कोई भी बंदा तलाश पता नहीं कर सका कि कितने साल पुरानी है। मच वुड बी लर्न, बहुत कुछ सीखा जा सकता है इसके बारे में, इफ द लैंग्वेज एक्सपर्ट आर एबल टू डिस्पेयर दिस वर्ड, अगर जो लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं वो काबिल हो जाएं इन वर्ड्स के बारे में पढ़ने के, क्योंकि कौन सी ज़बान में लिखा हुआ है हर बंदा आसानी से नहीं समझ पा रहा। बाकी का लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा आपको।